अस्सलामु अलैकुम, वेलकम परदेसी लाइफस्टाइल में। आज आपके सामने मैं डिश बनाने जा रही हूँ। स्क्रीन पे आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए जो मुझे चाहिए, ये मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। इसमें कुछ बोनलेस है, कुछ हड्डी वाला है। 250 ग्राम मतलब एक पाव मैंने चिकन लिया है। एक कप भर के मैंने चने की दाल ले ली, इसको मैंने धो के रख लिया था, ठीक है। और जो हमें ड्राई मसालों में चाहिए, इसमें ये मैंने 8-10 मिर्चें ली हैं, गोल लाल मिर्चें। आप अपने मुँह के हिसाब से तेज़ दे सकते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा, एक काली मोटी इलायची, 2 प्याज, 1 चम्मच सूखा धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा और ये धनिया पुदीना गार्निश के लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसमें साबुत भी डाल सकते हैं, मेरे पास साबुत नहीं था तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। और अंडा, और सॉरी मैं आपको नमक बताना भूल गई, इसमें नमक भी ऐड होगा। एक चम्मच, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक भी अपने जायके के हिसाब से। चाहें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्रेशर में सब डाल दिया है। पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। पानी अपने अपने हिसाब से डालना, वरना चने की दाल बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी तो आपके शामी कबाब बहुत पतले बनेंगे, ठीक है। इसमें नमक, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब डाल के मैंने चढ़ा दिया। अब मैं इस प्रेशर को कम से कम 5-10 मिनट का दूंगी स्टीम। जी, तो ये देखिए, ये मेरे शामी कबाब मैंने, अब इसको मैं ठंडा करूँगी, ठीक है। मेरे से थोड़ी सी दाल थोड़ी सी होगी पतली, लेकिन आप इसमें का पानी कम डालिएगा, ठीक है। मैं इसको सेट करूँगी, इसके अंदर मैं ब्रेड क्रम्स डाल दूँगी। अब जैसे ही ठंडा होगा, हम इसकी बोटियों को अलग कर लेंगे और इसके हम शेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने इस मिक्सचर में, चॉपर में इसको ब्लेंड करेंगे। अब ये मिक्सचर में हम करते हैं चॉपर। जी, तो ये देखिए, मैंने चॉप करके कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने गर्म मसाला और ज़ीरा डाल दिया, ठीक है। मैंने इसमें 2-3 चम्मच डाल दिए थे ब्रेड क्रम्स के, अगर आपके पास मौजूद हो। अगर आप इनकेस, अगर आपके शामी कबाब पतले हो जाएं तो आप इसमें आप डाल सकते हैं 2-3 चम्मच ब्रेड क्रम्स। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। इसमें सब मसाले मैंने चख के देख लिए, नमक भी बराबर है, मिर्च भी बराबर है और हरी मिर्च भी मैंने काट के डाल दिया। अब हम इसकी शेप्स बनाते हैं, ठीक है। अंडा मैं इसमें नहीं डाल रही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अंडे डालने से और पतले हो जाएंगे, तो मैं अंडे की कोटिंग करके इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। चले मिलते हैं, अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, मेरे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको फ्राई किया, आप इसका कलर देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आया। अब मैं आप उसको चेक करके बताती हूँ कि ये कितने यम्मी और देखिए सॉफ्ट कितने हैं। देखिए सॉफ्ट कितने बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। हर चीज़ परफेक्ट है, नमक मिर्च सब परफेक्ट है, बहुत मज़े के बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।